हेलो माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से रुद्र शुभा फैशन हब में। इस बार मैं अगेन आपके लिए बजट फ्रेंडली मीसो हॉल लेकर आई हूँ। जी हाँ, बजट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि जितनी भी कुर्तियाँ हैं सारी अंडर 500 हैं, टोटल 10 कुर्तीज़ हैं और जिनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले फर्स्ट जो कुर्ती है वो ये ग्रे कलर में है और इसमें इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है और ये एम्ब्रॉयडरी कुर्ती है। आई थिंक 356 अराउंड इसका प्राइस है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कुर्ती है। और इसमें जो है योग पर पूरा सीक्वेंस वर्क किया गया है और यहाँ ये थ्रेड और गोल्डन कलर से थ्रेड वर्क किया गया है। इसमें छोटे छोटे 3 बटन्स लगे हुए हैं इस टाइप के, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और स्लीव्स पर भी इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की गई है थ्रेड और सीक्वेंस से, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लगती है और ट्राई ऑन में आप इसको इजीली देख सकते हैं कि इतनी प्यारी लग रही है। कुर्ती बहुत ही अच्छी है और अंडर 500 इसको आप किसी भी मतलब किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप ऑफिस पहन जा सकते हैं, कॉलेज पहन जा सकते हैं और छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कपड़ा भी इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती। और नेक्स्ट कुर्ती है ये पिंक कलर में, ये प्रिंटेड कुर्ती है, फैब्रिक इसका भी कॉटन है, प्योर कॉटन है और इसमें स्टैंड कॉलर दिया हुआ है और सामने इस तरीके से फ्रंट पर ये बटन्स लगे हुए हैं, सिर्फ यहीं तक है। और स्लीव्स पर इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस टाइप से बटन लगा हुआ है। बाकी पूरी कुर्ती सेम है, ऑल ओवर प्रिंटेड कुर्ती है ये और कलर भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैसा आपको दिख रहा है सेम यही कलर है और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है। आप डेली वेयर में आप किसी भी तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और प्राइस इसका आई थिंक 299 के अराउंड ये कुर्ती मुझे पड़ी थी। कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप ट्राई ऑन में ईजिली देख सकते हैं कि कितनी कुर्ती प्यारी लग रही है पहनने पर और बहुत अच्छी कुर्ती है ये। और चलिए चलते हैं अपनी थर्ड कुर्ती। और इसे मैंने ब्लैक कलर में परचेज़ किया, मुझे ब्लैक कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फैब्रिक जो है इसका कॉटन है, प्योर कॉटन है और प्राइस का 300 के अराउंड कुछ है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस टाइम। मैं प्राइस और कोड इनके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस प्रिंट को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इसको क्या बोलते हैं, बट कुर्ती बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप ट्राई ऑन में इसको देख लीजिएगा कि ये कुर्ती कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और गर्मी के हिसाब से, समर के हिसाब से ये कुर्ती बहुत ही अच्छी है। इसमें वाइट कलर के इस टाइप के टैसल्स दिए हुए हैं, मुझे इस टाइप के टैसल्स बहुत अच्छे लगते हैं, टैसल्स और पॉपम है ये कुर्ती। बाकी सारी कुर्ती ऑल ओवर एक जैसी है और बहुत ही कम्फर्टेबल है ये कुर्ती। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट फोर्थ कुर्ती की तरफ। इसे मैंने परचेज़ किया है पिस्ता ग्रीन कलर में और ये अगेन कॉटन की कुर्ती है। समर के हिसाब से सारी कुर्तियाँ मैंने कॉटन की ज़्यादातर लेने की कोशिश की है, कॉटन और रेयन है, कुछ रेयन है कुछ कॉटन की है, लेकिन मोस्टली मैंने कॉटन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, इसलिए मैंने कॉटन की कुर्तियाँ ज़्यादा ली हैं। ये भी प्रिंटेड कुर्ती है, ये इस तरीके से है और इसमें सामने से इस टाइप के बटन्स दिए हुए हैं पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। सामने फ्रंट स्लिट है, इसमें थोड़ा सा फ्रंट स्लिट दिया हुआ है इस तरीके से, ट्राउन में आपको समझ में आ जाएगा। और 350 के अराउंड इसका भी प्राइस है और प्राइस के अकॉर्डिंग कुर्ती बहुत अच्छी, सा कलर बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। आप इसको मतलब किसी भी तरीके से धोएंगे या कुछ करेंगे तो ये बेकार नहीं निकलने वाली है, जैसी है वैसी ही रहेगी ये कुर्ती। और इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती। नेक्स्ट कुर्ती मैंने खरीदी है इसको, ये बांधनी प्रिंट जो बोलते हैं, बांधनी प्रिंट पर इसमें वर्क किया गया हुआ है, जो फॉइल मिरर वर्क होता है वो वर्क है इस पर और उसके ऊपर जरी से सिल्वर जरी से वर्क किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं योग पर पूरी इस तरीके से वर्क है इसमें और बाकी प्रिंट पूरा बांधनी प्रिंट है, इसमें पूरा बांधनी प्रिंट किया गया है। और स्लीव्स पर भी इसमें इसी तरीके से वर्क किया गया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और ये इसमें छोटे छोटे से वॉइस मिरर वर्क है ये और ये निकलते नहीं है, चुपते नहीं है, बहुत अच्छी कुर्ती है ये। बाकी ऑल ओवर प्रिंटेड कुर्ती है ये पूरी और इसका प्राइस भी 300 के अराउंड है, यानी 200 कुछ की मुझे पड़ी थी ये कुर्ती और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर ये कुर्ती बहुत अच्छी है। इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन है और पहनने पर ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको
अच्छी लगेगी। और ड्राइंग में आप देख ही सकते हैं कि ये कुर्ती कितनी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट जो कुर्ती है, मैंने इसे मस्टर्ड कलर में ऑर्डर किया था, पर ये मेरे पास आई है डार्क पिंक कलर में। बट ये मतलब ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मस्टर्ड कलर ज़्यादा पसंद था इसका। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें थ्रेड वर्क है, पूरी में योक पर भी इसमें थ्रेड वर्क है और बाकी ऑल ओवर इसमें थ्रेड वर्क है नीचे तक इस तरीके से। और इसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, और स्लीव्स पे थोड़ी सा नेट है और उसके ऊपर ये थ्रेड वर्क किया गया है। ये इस तरीके से है इसकी स्लीव्स। और कुर्ती आप देख सकते हैं, फैब्रिक इसका रेयॉन है और प्राइस ऑलरेडी अंडर 500 है ये। और ट्रायल में आप इसको देख सकते हैं कि ये कुर्ती कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज ऑफिस या किसी भी मतलब पहन सकते हैं। मुझे तो ये कुर्तियाँ बहुत पसंद है, आपको किसी आई। और नेक्स्ट कुर्ती है हमारी, ये सॉलिड में है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट टाइप का किया गया है पूरे ट्राइल्स में, कुर्ती में थोड़ी सी लाइनिंग टाइप की कुर्ती है ये, स्ट्रेट में लाइनिंग बनी हुई है। बाकी ये सॉलिड जो कुर्तियाँ आती हैं उस टाइप की कुर्ती है। और इसका फैब्रिक जो है खादी कॉटन है, सामने से इसमें योक पे इतने बटन्स दिए गए हैं, वुडन बटन्स जो होते हैं वो हैं। प्राइस इसका भी 300 के अराउंड है। बाकी ये कुर्ती बहुत अच्छी है पहनने पर, समर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये कुर्ती। कलर इसमें आई थिंक 3 या 4 कलर थे, मुझे ये ग्रीन टाइप का कलर जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेली के हिसाब से ये कुर्ती बहुत अच्छी है। चलिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती। नेक्स्ट कुर्ती आई थिंक हम लोग परचेज की है, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में इसमें वर्क है। ये कुर्ती मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी लगी है, और इस प्राइस में इस टाइप की कुर्ती मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए कितना प्यारा वर्क है इसमें, इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्राइस में। आप पास से देख सकते हैं इसमें पूरा थ्रेड वर्क है, और रेड ऑरेंज और वाइट कलर के थ्रेड्स इसमें वर्क है। और अंडर 500 है ये कुर्ती, फैब्रिक इसका रेयॉन है और स्लीव्स पर भी इसमें इस तरीके से वर्क किया गया है। पूरी कुर्ती पर ना इसी तरीके से वर्क है। और सबसे अच्छी बात और सबसे अलग चीज़ इसमें ये है कि इसमें यहाँ से साइड से स्लीव्स के साइड से पूरा मतलब वर्क किया गया है, इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये पहनने में बहुत अच्छी लगती है, आप ट्राइंग में देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है ये कुर्ती। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कुर्ती के लिए। और नेक्स्ट कुर्ती है चिकनकारी की, और कलर इसका थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप का लिया था। बाकी चिकनकारी कुर्ती हॉल में अलग से एक कुर्ती बनाऊँगी। इसका कलर मरून है और इसमें फुल वर्क किया गया है, और 400 के अंदर की ये कुर्ती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क किया गया है, कितना अच्छा पूरा योग वर्क है, पूरा फुल वर्क किया गया है इसमें। और फैब्रिक इसका कॉटन है, प्योर कॉटन है, और नीचे भी इसमें पूरे में इस तरीके के बूटे बने हुए हैं। और आप आई थिंक अब समझ में आ रहा है, कुछ कैमरे की वजह से गड़बड़ हो जाता है, बाकी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और इसका वर्क जो है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई धागा नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है इसको पहनने पर। आप इसका ट्राई ऑन में देख सकते हैं, बहुत अच्छी कुर्ती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट कुर्ती हमारी जो है, ये मैंने येलो कलर में परचेज की है, और इसे मैंने अभी अनबॉक्स भी नहीं किया है, आप मेरे सामने इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको मैंने मस्टर्ड कलर में परचेज किया है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसमें हल्का सा फॉइल मिरर वर्क है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसमें फॉइल मिरर वर्क है, सीक्वेंस वर्क भी है, और फैब्रिक इसका रेयॉन है। और इस कुर्ती को तो आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, कहीं भी पहन के जा सकते हैं। समर में कोई हल्दी फंक्शन है, शादियों का सीजन चलता है, कहीं भी कुछ हल्का फुल्का पहनना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ट्राई में आपको समझ में आ जाएगा। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और स्लीव्स पर भी इसमें इस तरीके का वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है इसमें, कहीं से भी कुछ निकला हुआ नहीं है। बाकी कुर्ती सारी प्लेन है, उसमें और कहीं कोई वर्क नहीं है, सिर्फ स्लीव्स और लोग पर वर्क है। तो कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका फैब्रिक जो है ना वो बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। 400 कुछ की 400 समथिंग है ये कुर्ती प्राइजेस का, और कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक आपको ये हॉल पसंद आया हो।